हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आया हूँ आपके लिए लेकर टॉप 5 हॉरर मूवीज़ ऑफ बॉलीवुड। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 मूवी है 20 साल बाद, जो कि 1988 में रिलीज हुई थी और जिसकी IMDb रेटिंग है 5.1। मिथुन चक्रवर्ती, डिंपल कपाड़िया और मीनाक्षी इसके लीड डायरेक्टर हैं। बात करें कहानी की तो सूरज और किरण हस्बैंड वाइफ होते हैं, पर उनके घर में एक भूत भी होता है जो खुद को पिछले जन्म में सूरज की पत्नी बताती है। तो अब वो भूत ऐसा क्यों करती है, आप मूवी में देखना और मूवी का लिंक मैं दे दूँगा। नंबर 4 मूवी है भूत, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी और जिसका IMDb रेटिंग है 6.5। अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, नाना पाटेकर, रेखा इसके लीड एक्टर्स हैं। कहानी की बात करें तो स्वाति और विशाल नए फ्लैट में शिफ्ट होते हैं और वो फ्लैट भूतिया होता है। धीरे धीरे वो भूत स्वाति के अंदर भी आ जाता है। मूवी में आप खुद देखिए, मुझे डर लग रहा है बताने में ही। 3rd मूवी है राज, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी और जिसके IMDb रेटिंग है 6.5। बिपाशा बसु, डीनो मौर्या इसके लीड एक्टर्स हैं। संजना और आदित्य पति पत्नी होते हैं, उनके बीच कुछ सही नहीं चल रहा होता तो वो लोग साथ में ऊटी घूमने का सोचते हैं, पर वहाँ जाने के बाद कोई और ही उनका इंतजार कर रहा होता है। अब वो कौन है, मूवी में देखिए, डरावनी मूवी है। 2 मूवी है रात, जो कि 1992 में रिलीज हुई थी और जिसके IMDb रेटिंग है 7.1। ओम पुरी, जया माथुर इसके लीड एक्टर हैं। शर्मा जी का परिवार अपने नए घर में शिफ्ट होता है, फिर उन्हें वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं फील होती हैं, फिर उन्हें लगता है कि कुछ है, तब तक उनकी बेटी की भूत का शिकार हो जाती है। अब उसे बचाने के लिए वो एक पुजारी की हेल्प लेते हैं। ये मूवी अच्छी है, राम गोपाल वर्मा की एक बेहतरीन मूवी में से एक है ये मूवी। तो नंबर 1 मूवी 1920 है, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी और जिसके IMDb रेटिंग है 6.4। आदर्श शर्मा और रजनीश दुग्गल इसके लीड एक्टर हैं। बात करें कहानी की तो अर्जुन और लीसा प्यार करते हैं एक दूसरे से, पर प्रॉब्लम ये होती है कि अर्जुन हिंदू होता है और लीसा क्रिश्चियन होती है। खैर, कैसे भी फैमिली से लड़कर दोनों शादी कर लेते हैं और घर छोड़कर कहीं और रहने लगते हैं, पर जहां रहते हैं वहां भूत होता है जो लीजा के अंदर घुस जाता है। मूवी अच्छी है, मुझे ये मूवी सबसे अच्छी भूता मूवी लगी, क्योंकि इसके जो लास्ट सीन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो जाइए ये मूवी ज़रूर इन्जॉय कीजिए। तो ये थी टॉप 5 हॉरर मूवीज़ ऑफ बॉलीवुड, लिंक दे दिया है, जाइए देखिए और देख के बताइए आपको ये कैसी लगी। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।